चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज हम जान लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि रियल नंबर्स और वास्तविक संख्या यानी कि होती क्या चीज़ हैं। देखिए, हम किसी एक्सरसाइज को पढ़ लेते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना ये जाने कि इसका मतलब क्या है, चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है और वाकई कहना क्या चाह रहा है। देखिए, इसके अंदर जो रियल नंबर्स हैं ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या, आज आपको मैं ऐसे बताऊँगा आप तक किसी को डिटेल से किसी ने बताया नहीं होगा। देखिए, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे आपको इसे याद रखना है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद काम आएगी। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जब भी आपको समझ में आएगा, और आने वाली जो पूरी एक्सरसाइज है ये आपके जब भी समझ में आएगी, जो आज मैंने ये बताया अगर आपने इसको याद रखा तो आने वाले किसी भी एक्सरसाइज में, इस वाली में या इससे संबंधित कोई आती है तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए ध्यान से सुनते रहिए, मैं बताता हूँ। देखिए, पहले बता देता हूँ रियल नंबर्स में होगा क्या। देखिए, रियल नंबर्स होते क्या, पहले छोटे मोटे नंबर्स जान लेते हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व करते आते हैं। कैसे, देखिए मैंने माना, देखिए सभी जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं, क्या जानते हैं सभी, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। कौन से बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं उसको हम। अब ये होते कैसे, वह संख्याएं होती हैं जो हमारी एक से स्टार्ट होती है। अब एक से स्टार्ट होंगी, कहाँ तक जाएंगी, लिख तो हम सकते हैं उन्हें इन्फिनिटी, यानी अनंत तक कितने भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी कुछ संख्याएं, उसे बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं उसको हम। अब ये जो होती है हमारी संख्याएं, वो कहाँ से स्टार्टिंग होती हैं, ये हमारी जीरो से स्टार्टिंग होती है। याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि बहुत से बच्चे एक से बता देते हैं, कोई ऊपर वाली को जीरो से बता देते हैं। तो याद रखना, जो प्राकृतिक संख्याएं वो एक से स्टार्ट होती हैं और जो पूर्ण संख्याएं वो जीरो से स्टार्टिंग होती हैं। एक आती है उसके बाद हमारे बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए, पूर्णांक संख्या में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं और उसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं, जी इंटीजर नंबर्स होते क्या चीज़ है। भाई, ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे पास में जो हमारे जीरो सहित, ऐसे बोलूँ ये जीरो तो रहेगा रहेगा, और प्लस में भी चलते हैं नंबर्स, ये प्लस टू प्लस थ्री कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिट तक जाएंगे। और ये माइनस में भी चलते हैं, कैसे चलते हैं, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री कहाँ तक, ये भी अनंत तक आएंगे। यदि बोलूँ किसी अगर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो ये यहाँ पर हमारा जीरो मान लेते हैं, तो ऐसे चलेंगे प्लस की ओर और ऐसे चलेंगे हमारे ये माइनस की ओर, कहाँ तक, कितने भी जा सकते हैं, इन्फिनिट तक। ये हमारे होते हैं पूर्णांक संख्याएँ, यानी इंटीजर नंबर्स होते हैं। अब उसके बाद कुछ नंबर्स होते हैं, उसे बोलते हैं धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक बोल देते हैं, या बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। अब ये होते कैसे हमारे पास में, देखिए ध्यान से, वह संख्या वह नंबर जो केवल हमारे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री केवल पॉजिटिव यानी प्लस में आते हैं वो हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक कैसे होते हैं हमारे पास में, वह नंबर्स होते हैं उसे बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं उसे, नेगेटिव इंटीजर। अब ये नंबर्स होते कैसे हमारे पास में, जो केवल माइनस के अंदर आते हैं, कैसे आते हैं, माइनस में आते हैं, वो हमारे नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। अब देखिए, कुछ आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं या उसे हम बोल देते हैं क्या, रेशनल नंबर्स। क्या चीज़, रेशनल नंबर्स। बहुत से बच्चे इनमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि कौन सी डिजिट कैसे होगी। तो याद रखना, जो हमारी पी बटे क्यू की फॉर्म में आते हैं, ठीक है, और नॉट इक्वल टू जीरो, हमारा ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं होगी, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई होगी और यही डिनोमिनेटर के रूप में लिखी होगी, और नीचे वाली कभी हमारी जीरो नहीं हो सकती। अब वो नंबर्स कैसे हो सकते हैं कि टू अपॉन फाइव लिख सकता हूँ, केवल टू भी लिख सकता हूँ, जीरो वन माइनस के फोर अपॉन टू या माइनस के थ्री अपॉन फाइव, ये जो नंबर्स होते हैं जो पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखे होते हैं। देखिए, यहाँ का बोलोगे सर ये तो केवल एक डिजिट लिखी हुई है, यदि मैं यहाँ नीचे वन लगा दूँ तो यहाँ वन भी तो हमारा माना जा सकता है ना। तो ये जो संख्या है हमारी क्या, परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। अब आपको इस चैप्टर में ये भी देखने को मिलेंगी अपरिमेय संख्याएँ। अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं, देखिए वह संख्याएँ जो हमारी इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं। कैसी, इरेशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कह सकते हैं जो हमारे नंबर्स पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं आते हैं। क्या, जो पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं आएंगे बाकी जो बच्चे वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे, जैसे रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, ये हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। या साफ साफ कह सकते हैं जो हमारा
क्या परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे मैंने माना यदि यहाँ 4 था, 4 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता हमारे पास, यदि मल्टीप्लाई करूँ उसमें तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 के पेयर्स बन के 2 के जोड़े बराबर कितना है 2 आया। तो ये हमारा क्या रेशनल, यानी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। अब रही इरेशनल नंबर्स, ये रूट थ्री ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं है, यानी कि रूट थ्री का हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो ये हमारा पी वेंडिंग फॉर्म में नहीं आ सकता, इसलिए हमारा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब भाई इसमें कुछ संख्या हमारी आती है, ऐसे समझ लीजिए वास्तविक संख्याएं जो हमारी अब हैं। अब मैं बता देता हूँ ये रियल नंबर्स कैसे बनेंगे। देखिए रियल नंबर्स हमारे वो होंगे, वास्तविक संख्याएं हमारी वो होंगी जिसके अंदर क्या होंगी, जो मैंने अब तक बताई हैं ये टोटल आपकी इन्वॉल्व करती होंगी, ये सारी आएंगी, ये हमारी क्या कहलाएंगी रियल नंबर्स कहलाएंगे। इसमें हमारी क्या प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, धन पूर्णांक भी, ऋणांक, परिमेय, अपरिमेय, ये टोटल संख्या हमारी इसके अंदर आएंगी, तो क्या कहलाएंगे हमारी ये रियल नंबर्स कहलाएंगे। अब जैसे मैं बता दूं आपको, एक आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको याद रहे किस तरीके से, जो हमारे रियल नंबर्स है मैंने माना रियल नंबर, ठीक है, और रियल नंबर्स जो हमारे ऐसे एक गोला बना लीजिए, ठीक, और इसको दो पार्टों में डिवाइड कर देता हूँ मैं, चलिए ऐसे कर देता हूँ, इसको दो पार्टों में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया आपको इरेशनल नंबर्स, क्या चीज़ इरेशनल नंबर्स, यानी कि इसे हम क्यों से दिखा सकते हैं, किससे, क्यों डैश से दिखा सकते हैं इसको हम, ऐसे समझ लीजिए। ये इरेशनल नंबर्स हमारे पास जो हमारे अभी मैंने बताई थी ये वाली अपरिमेय संख्याएं वो इस साइड आएंगी। बाकी अगर बात करूं तो देखिए हमने माना नेचुरल नंबर जो पहले हमने पढ़कर आए थे, जिसके अंदर मैंने नेचुरल नंबर ऐसे दिखा देता हूं, ठीक। फिर नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, जो होल नंबर्स होंगे उसमें हमारी नेचुरल नंबर्स भी आएगा और जीरो भी ऐड हो जाएगी जो मैंने आपको बताई थी। अब इसी की बात करूं होल नंबर्स में इंटीजर्स, ये इंटीजर्स के अंदर ये सारे आ जाएंगे क्योंकि इसमें प्लस के भी होंगे और माइनस के भी होंगे। अब आए हमारे पास रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर मतलब हमारे ये अब समझ लीजिए ये पूरा इसके अंदर हमारा आ रहा है, क्या ये पूरा किसके अंदर रेशनल नंबर के हमारे अंदर सारे आ जाएंगे, जो हमारी क्या होंगी, जो इसे हम क्यों से दिखा सकते हैं, यानी परिमेय जो संख्याएं होंगी हमारी ये पूरी इसके अंदर आ जाएंगी। कुल मिला कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी संख्याएं, अगर रियल नंबर की बात करता हूं तो रियल नंबर्स में रेशनल इरेशनल आ जाएंगी, रेशनल में ये सारी संख्याएं आएंगी, ठीक है, और यहाँ हमारे ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स हमारी ये सारी आ जाएंगी, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर आएंगे और नेचुरल नंबर में केवल जो मैंने बताए थे वो आएंगे। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब कुछ संख्या हमारी और बच जाती है, जैसे हमारी प्राइम नंबर्स बोल देते हैं, अभाज्य संख्या बोल देते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या यानी कि बोल देते हैं प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं याद रखना, वो होते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो केवल स्वयं से करते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे मैंने माना बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं वन, वन तो होगा ही नहीं, पहले स्टार्टिंग हमारा टू से होती है इसकी। अब रही बात थ्री, तो थ्री केवल थ्री से ही कर सकता है, किसी और से डिवाइड नहीं होगा। अब रही बात फोर की, तो ये फोर हमारा टू से भी डिवाइड हो सकता है, फोर से भी हो सकता है, तो ये भी हमारा नहीं है। अब रही बात फाइव की, तो फाइव हमारा कैसा है, ये खुद से ही डिवाइड होगा। अब जैसे बात करूँ थर्टीन की, ये भी खुद से डिवाइड होगा। अब बात करूँ फिफ्टीन की, भाई फिफ्टीन तो डिवाइड हो सकता है थ्री से भी, फाइव से भी, तो ये हमारा नहीं है। तो याद रखना है वह नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे जो केवल स्वयं से डिवाइड होते हैं। अब कुछ जानते हैं आप सम संख्याएं, अब सम संख्याएं हमारे जो इवन नंबर्स होते हैं, अब सभी जानते हैं कि कैसी होती है हमारे पास जो इवन नंबर्स होते हैं, जो हमारे इंटू केवल टू से डिवाइड होते हैं, टू फोर सिक्स एट, याद रखना है ये सारे आपको एग्जाम में आने वाली हैं। और विषम संख्याएं, भाई वह संख्याएं जो हमारी क्या होंगी ऑड नंबर्स, जो वन थ्री फाइव सेवन, ये इस रूप में हमारी आती हैं। तो ये इस तरीके से हमारे कुछ नंबर्स होते हैं जो हमारे लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम भूल जाते हैं। तो इस बेसिक नॉलेज को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए, और तभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और आपको अब ये चैप्टर बहुत जगह अच्छे तरीके से समझ में आएगा।